तो मैं कुछ ऐसे विकल्प लेके आई हूँ जो आप अगर अपने स्किन पे होली खेलने से पहले अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के रहता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव। होली यानी रंगों का त्योहार, खेलने में तो बहुत मजा आता है। रंग बिरंगे कलर्स, गुलाल, उसके साथ दोस्तों का साथ हो तो और भी मजा आता है खेलने में। परंतु होली खेलने के बाद की जो सजा होती है ना, वो बहुत बहुत कष्टदायक होती है। जी हाँ, हमारी स्किन, हमारी हेयर सब रफ हो जाती है। मैं आज उसी का सोल्यूशन लेकर के आई। अगर आप होली खेलने से पहले अपने स्किन की, अपने हेयर्स की अच्छे से देखभाल करेंगे ना, तो होली खेलने के बाद जो स्किन में रैसेस पड़ जाते हैं, जलन होती है, इचिंग होती है, बहुत सारे दाने पिंपल्स निकल आते हैं स्किन पे, उससे आप बच जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसे विकल्प लेके आई हूँ जो आप अगर अपने स्किन पे होली खेलने से पहले अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। सबसे पहले चीज है, अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक दिन पहले एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा। एक दिन पहले अपने स्किन पे रात में ही 6 से नारियल का तेल लेकर के मसाज करें और अच्छे से नारियल का तेल अप्लाई करके और सो जाए। जी हाँ, एक दिन पहले सर में भी और अपने स्किन पे भी, अपने सर के पूरे स्कैल्प पे भी और अपने स्किन में भी, और मसाज प्रॉपरली स्कैल्प से लेके करना है, सिर्फ बालों में नहीं लगाना है। प्रॉपरली बालों में, बालों के स्कैल्प में आप अच्छे से नारियल का तेल लेके मसाज करें। उसके बाद फिर अपने स्किन पे भी अच्छे से नारियल का तेल लगाएं। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। वो लगाने के बाद आप सो जाए, फिर सुबह उठे। सुबह अगर आप फेस वॉश करना चाहें तो कर लें, आपका फेस वैसे पूरी रात मॉइस्चराइज हुआ है। उसके बाद फिर से आप होली खेलने से आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले, जो भी आपको सुविधा, प्रॉपरली पूरे बॉडी पे आप नारियल का तेल अप्लाई करेंगे और अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे। होली खेलने से पहले अच्छी क्वांटिटी में नारियल का तेल अप्लाई करिए अपने स्किन पे पूरे। अगर आपने रात में स्कैल्प मसाज नहीं किया है तो फिर आप नेक्स्ट डे स्कैल्प मसाज भी करेंगे, अपने स्कैल्प में, अपने हेयर पे ऑयल लगाएंगे। रात में किया है तो कोई इशू नहीं, दिन में आपको सुबह करने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉपरली नारियल का तेल लगा करके फिर जाएंगे होली खेलने। नारियल का तेल क्या करता है ना, आपके स्किन पे एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देता है, जिससे जो हम कलर खेलते हैं तो जो कलर है वो प्रॉपरली हमारे स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता है, और अब जब हम फेस वॉश करते हैं तो वो बहुत ही इजिली छूट जाता है। और अगर हम नारियल का तेल नहीं लगाएंगे, अगर हम कोई मॉइस्चराइजर या फिर नारियल का तेल नहीं लगाएंगे ना, तो हमारे स्किन में पूरा का पूरा जो केमिकल वाला जो कलर होता है ना, वो पूरा डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा हमारे स्किन में और वो हमारी स्किन को डैमेज करेगा। तो उसके इससे पहले कि वो डीपली पेनिट्रेट हो, उसके पहले हमें नारियल का तेल लगा लेना है, ताकि वो हमारे स्किन के अंदर लेयर तक चले जाए, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाए और जब भी कलर खेलें तो कलर हम इजीली निकाल पाए, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है जिसकी वजह से कलर निकल जाता है। तो होली खेलने जाने से 10 से 15 मिनट पहले या फिर 30 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर अप्लाई करें अपने स्किन पे, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट मॉइस्चराइज रहे और आपके स्किन पे जो कलर वो डीपली आपके स्किन में ना जा पाए। तो ये तो हुई पहली चीज। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। जी हाँ, अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे। एलोवेरा जेल लगाने से होगा क्या ना, कि आपकी स्किन पे वो जो एक्स्ट्रा लेयर है जेल की, वो लग जाएगी। जब आपकी स्किन पे वो जेल की एक्स्ट्रा लेयर लग जाएगी तो कलर आपकी स्किन पे जल्दी नहीं चढ़ेगा, और अगर चढ़ भी गया तो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और दूसरा, एलोवेरा जेल एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है, तो कलर से अगर आपकी स्किन पे कोई डैमेज होगा तो उसे भी रिकवर करने में हेल्प करेगा, उसे भी हील करने में हेल्प करेगा। तो एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कलर खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले एलोवेरा जेल जरूर अप्लाई करें। ये आपके स्किन पे एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देता है जिससे कलर आपके स्किन में अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, इसके जो भी कलर के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो।
आप कभी देखिएगा जे किसी भी जेल में एलोवेरा जेल का पल्प निकालिएगा, उसमें कलर डालिएगा, उस कलर को प्रॉपरली उस जेल में मिक्स होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सेम आपके स्किन पे भी होगा, जब स्किन पे आप एलोवेरा जेल का एक लेयर लगा लेंगे ना, तो वो आप तो आपके स्किन में उस पानी को, उस कलर को एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेयर ऑलरेडी आपके स्किन पे चढ़ी हुई है, तो डीपली नहीं पेनिट्रेट हो पाता है कलर, तो छुड़ाने में भी आसानी होती है, कलर बहुत ही इजीली निकल जाता है। और थर्ड है पेट्रोलियम जेली। आप चाहे तो पेट्रोलियम जेली भी अपने स्किन पे लगा सकते हैं, वो भी मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपकी स्किन भी फ्रेश नजर आएगी। और पेट्रोलियम जेली का एक परत अगर आप अपने स्किन पे लगा लेते हैं, तो सेम इफेक्ट वो भी करेगा, वो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट नहीं होने देगा, कलर को छुड़ाने में आसानी होगी, और कलर के जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नहीं होने देगा स्किन पे। और नेक्स्ट है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आपको आपके पास इन सब में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई मॉइस्चराइजर तो जरूर होगा, अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा के तब जाए। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, कलर खेलने से पहले, होली खेलने से पहले आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर में आप या तो कोई मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप घर पे कुछ भी नहीं है आपके पास, तो घर पे आप घी लगा लीजिए, या फिर दूध का मलाई लगा लीजिए, ये भी एक तरह का मॉइस्चराइजर ही, मॉइस्चराइज होना चाहिए आपकी स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी ना, तो आप मिट्टी ले लीजिए, अगर वो ड्राई है, उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और पानी के साथ जितनी चीजें, वो सारी की सारी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप वो मिट्टी गीली है, अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सेम हमारी स्किन के साथ भी होता है, अगर हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, तो बाहर से हम जो भी कलर्स डालते हैं ना, तो वो कलर डीपली पेनिट्रेट नहीं होते हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा हार्म नहीं होती है उस कलर की वजह से। अगर हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहेगी, ड्राई रहेगी, तो हमारे स्किन पे उस कलर का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, स्किन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने स्किन को मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, अगर इसमें से कुछ भी नहीं लगा रहे तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर मार्केट बेस्ड नहीं है तो घर का ही कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, शुद्ध घी लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए, या फिर मलाई लगा लीजिए, कच्चा दूध जो भी आपको अवेलेबल हो वो जरूर लगाएं, तभी ये सारी चीजें लगा के ही बाहर जाए होली खेलने के लिए। और सेम बालों के साथ भी है, बालों को भी प्रॉपरली ऑयल कोटिंग कर लें, बालों पे मॉइस्चराइज कर लें। एक बार ऑयल की कोटिंग हो जाएगी बालों पे ना, तो कलर टिकेगा ही नहीं बालों पे, चाहे कोई कितना भी लगा ले, तो अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पे प्रॉपरली कलर लगा के तभी बाहर जाए। और नेक्स्ट है नेल्स। नेल्स में जो कलर घुस जाता है ना, तो वो फिर जाते जाते जाते, जब तक नेल्स वो निकल नहीं जाते हैं ना पूरे, वो कलर वैसे रहता है। तो उसके लिए क्या करना, आप या तो अपने नेल्स कट कर ले, या फिर नेल्स पे नेल पॉलिश लगा ले। नेल पॉलिश लगाने से नेल्स पे कलर नहीं जाएंगे, तो आपके नेल्स भी बचे रह जाएंगे। अब आते हैं कुछ सावधानियों के ऊपर। कोशिश करें कि हर्बल कलर ही यूज करें, बहुत ज्यादा केमिकल वाले कलर खेलने की कोशिश ना करें। केमिकल वाला कलर कहीं ना कहीं आपके स्किन को डैमेज जरूर करता है, तो कोशिश करें कि केमिकल कलर से दूर रहे। वैसे भी ट्रेडिशनली हमारे यहाँ फ्लावर्स वाले कलर खेलने की परंपरा थी, जो धीरे धीरे कलर्स में तब्दील हो गई। और या फिर ड्राई कलर खेलिए, गुलाल खेलिए, तो उससे वो हमारे स्किन में डीपली अंदर तक नहीं जाता, तो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता है। तो कोशिश करिए ड्राई कलर के लिए, ड्राई कलर छुड़ाने में भी इजी होता है, और आपको आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है। ड्राई कलर खेलिए, अगर बाई चांस अगर आपको पानी वाला कलर है खेल लिया आपने, तो पानी वाला कलर खेलना है, अपने स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करिएगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे कलर भी आते हैं जिसमें शीशा पीस करके पड़ा हुआ था, प्लीज ट्राई करिएगा, इस तरह का कलर ना आप यूज करें, वो आपके स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। तो कलर्स का चुनाव किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से लीजिएगा, कलर जो आपको सही कलर दे। इस तरह के कलर्स का चुनाव मत करिएगा जो आपके स्किन को और दूसरों के स्किन को भी हार्म पहुंचाए। सेफ होली खेलिएगा, और अपने स्किन को बहुत ज्यादा रब न करिएगा। क्या करते हैं ना, होली का कलर छुड़ाने के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा अपनी स्किन को रब करते हैं, बहुत ज्यादा घिसते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे रैशेज आ जाती हैं, और स्किन परमानेंटली आपकी डैमेज हो सकती है। आपके स्किन में जो डैमेज आएगा ना, उसे उसे क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो
नॉर्मली जितना कलर छूट जाए उतना छुड़ाए, उसके बाद छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो छूट जाएगा। वैसे मैं इसके बाद मेरी जो वीडियो होगी वो कलर छुड़ाने पे होगी, कैसे हम होली का कलर छुड़ाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट मेरा वीडियो वही होगा कि आप अपने, अगर आपको होली का कलर बहुत ज़्यादा लग गया तो उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आऊँगी जिसको आप फॉलो करके इजिली अपने कलर्स को छुड़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो कलर्स का चुनाव थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को रगड़िएगा मत कि एक दिन में ही मेरा स्किन पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। नहीं होता है छोड़ दीजिए, सब जानते हैं होली है, होली कलर खेला है आपने तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप स्किन में कलर लगा है तो कोई दिक्कत है, हफ्ते तक रह सकते हैं कलर। होली से पहले अपने स्किन को स्क्रबिंग करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप अपने स्किन को स्क्रबिंग करते हैं ना तो आपके स्किन के जो डेड लेयर्स है वो तो निकल जाएंगे और जो फाइन लेयर्स है उस पर जब कलर लगेगा ना उसको छूटते छूटते टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने स्किन में कम से कम 3 से 4 दिन पहले तक तो कोई स्क्रब यूज मत करिएगा, क्योंकि स्क्रब करने के बाद स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है तो डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिएगा होली से 3 4 दिन पहले तक कोई भी स्क्रबिंग मत करिएगा आपके स्किन पे, कोई भी किसी भी तरह का स्क्रब मत करिएगा। बस कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रख पाए अपने स्किन को, और अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा और सेफली होली खेलिएगा। और लास्ट एक बहुत ही अच्छी टिप है, उसे फॉलो जरूर करिएगा। होली खेलने से जस्ट 15 मिनट पहले, 10 या 15 मिनट पहले, या फिर होली खेलने से जस्ट 2 से 3 मिनट पहले क्या करिएगा ना, आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिएगा, अपने स्किन पे खूब अच्छे से रब करिएगा। खूब अच्छे से जब रब कर लेंगे ना तो आपकी स्किन के जो पोर्स है वो लॉक हो जाएंगे। जब पोर्स लॉक हो जाएंगे ना तो स्किन में जो कलर वो अंदर तक पेंट्रेट नहीं होगा। सो खूब अच्छे से रब करके मॉइस्चराइजर लगा करके फिर जाइएगा होली खेलने, देखिएगा आपकी स्किन के अंदर तक वो कलर पेनिट्रेट नहीं होगा। क्योंकि बर्फ क्या करता है ना, आइस क्या करता है, जब अपने स्किन पे आप आइस क्यूब रगड़ते हैं ना तो वो आपके स्किन के पोर्स को लॉक कर देता है। जब आपके स्किन के पोर्स लॉक हो जाएंगे तो कलर अंदर तक पेंट्रेट नहीं होंगे और आपके स्किन को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ये लास्ट एडवाइस थी, और अच्छे से होली खेलिए, इंजॉय करिए होली का फेस्टिवल। हैप्पी होली। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत लोगों की मदद कर सकता है। तो और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियोज आप मुझसे चाहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।